तो वो इसमें क्या क्या देखे हम लोग, ये हो गया ना वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, वो पता है आपको। नेक्स्ट है टेस्टिंग यस एक्टिविटीज। कभी भी टेस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे तो कभी भी हम टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, टेस्ट केस, पहले टेस्ट केस और टेस्ट सूट वो डिजाइन करना है। कौन से पैरामीटर को आप टेस्ट करने वाला है, इनपुट आपका क्या होने वाला है। क्लियर मीन्स पहले आप डिफाइन करोगे कि हमको टेस्ट जो करना है, हम पूरा कंप्लीट हर एक इनपुट के लिए टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमको टेस्ट पार्टिकुलर डेटा के लिए करना होगा। और पार्टिकुलर कौन से डेटा के लिए करना पड़ेगा वो हम टेस्ट केस डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन SRS। आगे हम देखेंगे कौन कौन सा टेक्निक है टेस्ट केस डिजाइन करने का। तो अभी बस ये समझो कि टेस्ट सूट डिजाइन मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट केस में क्या क्या इनपुट हमको लेना है। हम सारे इनपुट लेने करके हम जो उसके लिए एक टेस्ट सूट बनाएंगे, उसमें जो जो वैल्यू रहेगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे, उसके लिए टेस्ट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे द सेट ऑफ टेस्ट केसेस यूजिंग विच अ प्रोग्राम इज टू बी टेस्टेड इज डिजाइन पॉसिबली यूजिंग सेवरल टेस्ट केस डिजाइन। मीन्स इसमें टेस्ट केस रहेगा। उसके बाद जब आप टेस्ट केस डिजाइन कर लिए तो उसको क्या करोगे, रन करोगे और चेक करोगे रिजल्ट को, और उसके बाद डिटेक्ट करेंगे फेलियर। ओके जब आपने टेस्ट केस डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद आप उसमें क्या चेक करोगे, तो उसमें उसके रिजल्ट को चेक करोगे और रिजल्ट में कोई मिसमैच होगा तो मिसमैच क्या बताएगा, उसमें डिफेक्ट है। नेक्स्ट है लोकेट एरर। जब उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसको पहले क्या करोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, लोकेट करोगे कि एरर कहाँ पे है, और लास्ट में क्या करोगे, करेक्ट करोगे, एरर करेक्शन। जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कोड रिव्यू में, इसके पहले जो बताया था उसमें क्या बताया था, टेस्टिंग डिबगिंग देन एरर करेक्शन, ये बताते ना। पहले yes, टेस्ट करेंगे तो इसमें एक और चीज जुट गया है, टेस्ट सूट डिजाइन करना, टेस्ट केस डिजाइन करना है। yes, तो उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने को लोकेट करना है, लोकेट करने के बाद एरर करेक्ट करना है। तो ये है मेरा, ये यही डायग्राम है, कोड डिजाइन डॉक्यूमेंट SRS, ये सबको मिला के बनेगा डिजाइन टेस्ट सूट। ठीक है, डिजाइन करेंगे, डिजाइन का आउटपुट क्या आएगा, टेस्ट सूट, उसको रन करना है, रन करना है, रिजल्ट को चेक करना है। जहां जहां फेल होगा, पास कर गया उससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, पास कर गया मतलब उसके लिए क्या चेक करोगे, जहां जहां वो फेल करेगा वहां वहां उसको क्या करेंगे, डिबग करेंगे। डिबग करने का मतलब क्या क्या करते हैं, फाइंड आउट करना कि एरर कहाँ पे है। उसके बाद आपको एरर का लिस्ट मिलेगा, एरर का जो लिस्ट मिलेगा उसको लोकेट करेंगे, लोकेट करने का उसको करेक्ट एरर करेंगे, और एरर करेक्ट करने के बाद जो आपका प्रोग्राम बनेगा वो क्या कहलाएगा, करेक्टेड प्रोग्राम। क्लियर, ये डायग्राम है आपका, डायग्राम सिंपल है। डिजाइन जो करेंगे टेस्ट सूट वो कोड डिजाइन डॉक्यूमेंट और SRS डॉक्यूमेंट का कंबाइन करके बनाएंगे। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, यस सर। ओके, व्हाई डिजाइन टेस्ट सूट, टेस्ट केसेस क्यों डिजाइन करना है, सेम वही है, क्यों डिजाइन करना है, क्योंकि हम सारा टेस्ट उसमें नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या है, एक पार्टिकुलर डेटा को ही हमको टेस्ट करना है, क्योंकि हम उसको टेस्ट करते ही रह जाएंगे तो उसको यूज कब करेंगे। और टेस्ट ऐसा करना है कि जहाँ पे वो फेल होने का चांस हो, तो वही यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग रीजन, व्हेन द टेस्ट केसेस आर डिजाइन बेस्ड ऑन द रैंडम इनपुट डेटा, मेनी ऑफ द टेस्ट केसेस डू नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस टेस्ट सूट, दैट इज दे डू नॉट हेल्प डिटेक्ट एनी एडिशनल डिफेक्ट Not already being detected by other test cases in suit. मान लो कि आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, ये प्रोग्राम दिया हुआ है, if x is greater than y, max equal to x, else max equal to x. मतलब क्या है, अगर x is greater than y है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स का वैल्यू क्या होगा, x होगा, और नहीं तो मैक्स का वैल्यू क्या होगा, x होगा। प्रोग्राम सही है क्या, y होगा मतलब x equal to y होगा। चलो यहाँ प्रोग्राम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ y होगा। ठीक है, तो कंसीडर करो आपने टेस्ट सूट डिजाइन किया है, x equal to 3, y equal to 2, x equal to 2, y equal to 3,
तो क्या आपको पता चलेगा कि इसमें मतलब आप प्रोग्राम का टेस्ट हो जाएगा, मतलब एक बार कंसीडर कर रहे हैं x equal to 3, y equal to 2, means x is greater than y, तो max की वैल्यू क्या होगा? 3 x, हाँ means 3, और इसके लिए चेक करेंगे तो x equal to 2, y equal to 3, इसके लिए max की वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे y होगा, क्या होगा y max की वैल्यू? 3 होगा ना, क्योंकि y यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम टेस्ट हो गया। एक बार हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, x बड़ा ले रहे हैं, एक बार हम y बड़ा ले रहे हैं, क्लियर है? Yes. अगर उसी टेस्ट सूट हम ऐसा रखें x equal to 3, y equal to 2, फिर रखे x equal to 4, y equal to 3, फिर रखे x equal to 5, y equal to 1, तो हमें तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये आपका कभी टेस्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या इस केस के लिए? सो कॉपी पे लिख के आप समझो, तो इसमें बहुत सिंपल लिखा है, इस केस में भी ये लाइन ऑफ कोड हमारा चेक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंडीशन में क्या है, x is greater than y है, है? देखो यहाँ पे 3 is greater than 2, 4 is greater than 3, 5 is greater than 1, वही यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट जो आपका लिखा था, when test cases are designed based on the random input data, many of the test cases do not contribute significance of the test rule, तो contribute नहीं करेगा, इसलिए हमको क्या करना है, that is they do not help to detect any additional defects not already being detected by other threat. Testing a software using large collection of random selected test cases does not guarantee that all of the errors in the system will be uncovered. Clear है? अगर ये बात किया जाए, अगर आप अगर मान लो कि हम ऐसा assumption रखते हैं कि जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो क्या ये जरूरी है कि ये सही है? आप इस केस में दो ही टेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से चेक हो जा रहा है, इसमें आप 3 या 10 भी इस तरह का टेस्ट करोगे, फिर भी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर अब सही से चेक नहीं हो पा रहा है, सारा कंडीशन चेक नहीं हो पा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि टेस्ट ज्यादा करने से आपका प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी ज्यादा होगा, टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके सारे कोड को चेक करे, रेदर देन कि नंबर ऑफ टेस्ट आपके ज्यादा हो, क्लियर? वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा नहीं, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, ए मिनिमल टेस्ट सूट इज अ केयरफुली डिजाइंड सेट ऑफ टेस्ट केसेस सच दैट ईच टेस्ट केस हेल्प्स डिटेक्ट एरर्स, दिस बस यहाँ तक, ए मिनिमल टेस्ट सूट आपको इस तरह से मिनिमल है ओके, उससे कम नहीं, उतना आपको मिनिमल वो टेस्ट सूट आपको डिजाइन करना है जिसको टेस्ट करके आप उस प्रोग्राम में जो भी एरर है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इस केस में क्या हो रहा था, इस कोड में अगर एरर भी है तब भी आपको पता नहीं चलेगा अगर इसे टेस्ट करोगे तो, है ना, क्योंकि इसको कभी टेस्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, वो दोनों कोड को टेस्ट कर रहा है, क्लियर? यस सर। तो टेस्ट केस डिजाइन करने का दो मेथड है, एक है ब्लैक बॉक्स अप्रोच, एक है दूसरा है व्हाइट बॉक्स और ग्लास बॉक्स, क्लियर? ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स मतलब आप पहले भी नाम सुने होंगे, एसआरएस क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी सेम है जो एसआरएस का कॉन्सेप्ट था, मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बस आपको इनपुट पता रहेगा और उसका कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट पता रहेगा, वो बस, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप टेस्ट नहीं करते, उसको हम कहेंगे क्या, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लिखा है यहाँ पे, द टेस्ट केसेस आर डिजाइन यूजिंग ओनली फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओनली फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, उस मान लो कि आपका एडिशन का एक फंक्शन है, एडिशन का फंक्शन का क्या काम है, एडिशन ऑफ नंबर्स, तो अगर इनपुट आप दे रहे हो नंबर 1, 2, 3, आउटपुट क्या आएगा, 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा, उसका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन मतलब क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, बस इससे मतलब है। द टेस्ट केसेस आर डिजाइंड सोली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इनपुट आउटपुट बिहेवियर, दैट इज फंक्शनल बिहेवियर, डज नॉट रिक्वायर एनी नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, फॉर दिस रीजन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इसीलिए इसको क्या करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। ये डज नॉट नॉलेज, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, बस फंक्शनल बिहेवियर कैसा होगा उसके बेस पे एनालाइज करेगा कि क्या इनपुट देंगे और इसका क्या आउटपुट आएगा। क्लियर? व्हाइल डिजाइनिंग व्हाइट बॉक्स टेस्ट केस रिक्वायर्स थ्रू और नॉट रिक्वायर्स थ्रू नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, देयरफॉर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो आप जब पूरा पढ़ोगे तो उसमें आपको डिफरेंस बहुत सारा मिलेगा। लेकिन एक कॉमन एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, ये बस इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है, और इसमें स्ट्रक्चर से टेस्टिंग करते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट करता है। ओके? यस सर। ब्लैक बॉक्स सोली डिपेंड होता है इनपुट आउटपुट बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम, और व्हाइट बॉक्स टेस्ट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द कोड। द टू अप्रोचेज इन टू टेस्ट केस डिजाइन आर कंप्लीमेंट्री। इसमें क्या होता है, टेस्टिंग आपको पहले से हम लोग डिस्कस कर लिए, टेस्टिंग के कई सारे फेजेज होते हैं, स्टेज हैं। तो एक होता है यूनिट टेस्टिंग, दूसरा होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और तीसरा होता है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब यूनिट टेस्टिंग इज रेफर टू एज टेस्टिंग इन द स्मॉल, वेयर एज इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग आर रेफर टू टेस्टिंग इन लार्ज। स्मॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम सिंगल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को चेक करते हैं, और लार्ज इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मोर देन वन मॉड्यूल को चेक करते हैं। इंटीग्रेशन में मोर देन वन मॉड्यूल होता है, और इंटीग्रेशन में फुल कंप्लीट सॉफ्टवेयर टेस्ट सिस्टम। After testing all the unit individually, the unit are slowly integrated. हम modules को एक बार combine नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके combine करेंगे एक को दूसरे के साथ, ताकि क्या होगा, क्या फायदा हमको एक ही करके combine करने से? Errors मतलब एक ही बार कर देंगे तो फिर error ढूंढने में फिर से problem आएगा। अगर error आएगा तो हमको easily उसको correct कर सकते हैं कि करके combine करेंगे तो। ठीक है, तो इस वही से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यूनिवर्सिटी में पूछा है, व्हाई टेस्ट ईच मॉड्यूल इन द आइसोलेशन फर्स्ट देन इंटीग्रेट दिस मॉड्यूल एंड टेस्ट अगेन टेस्ट द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ मॉड्यूल्स, व्हाई नॉट जस्ट टेस्ट द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ मॉड्यूल्स वंस थ्रोली। क्या लिखा है, हम एक बार मॉड्यूल को सिंगल आइसोलेटेड मतलब इंडिपेंडेंट मॉड्यूल चेक करते हैं, फिर उसके बाद कंबाइन करके धीरे टेस्ट करते हैं, फिर उससे कंप्लीट कंबाइंड मॉड्यूल को फिर से टेस्ट करते हैं, क्यों नहीं हम एक ही टेस्ट करते हैं डायरेक्टली सिस्टम टेस्टिंग, क्यों क्यों उसको कई जगह टेस्ट करना है? क्योंकि मतलब मॉड्यूल्स मतलब अलग अलग चेक कर टेस्ट करते हैं तो फिर डिबग करना आसान हो जाता है ना, और फिर बहुत सारे फंक्शंस वगैरह जो होते हैं मतलब मॉड्यूल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो मतलब वो एक में अगर एरर क्रिएट कर रहा है तो अगर उसको इंटीग्रेट करने पे दूसरे में भी कर सकता है। इसके लिए एक एक करके फिर से मतलब जैसे जैसे ऐड करते हैं फिर से उन सारे को टेस्ट करते हैं और लास्टली भी करते हैं ताकि वो मतलब हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आना चाहिए आउटपुट। और कुछ, और कोई सर? सेम। और एक पॉइंट है उसमें कि जो आपका मॉड्यूल बनता है उसमें नंबर ऑफ डेवलपर काम करते हैं, है ना? Yes, तो कोई डेवलपर कोई मॉड्यूल बना रहा है, कोई डेवलपर कोई मॉड्यूल बना रहा है, कोई मॉड्यूल बहुत जल्दी बन जाता है, कोई मॉड्यूल बनने में बहुत टाइम लगता है। तो यूनिट टेस्टिंग करने से क्या होगा, जो मॉड्यूल आपका बन गया है वो आप चेक कर सकते हो, तो एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो देयर आर टू मेन रीजन। फर्स्ट, व्हाइल टेस्टिंग अ मॉड्यूल अदर मॉड्यूल विद व्हिच दिस मॉड्यूल नीड टू बी इंटरफेस नीड नॉट बी रेडी। ठीक है, हो सकता है कोई रेडी ना हो। और सेकंड जो आप बताए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इट इज गुड आइडिया टू फर्स्ट टेस्ट एंड मॉड्यूल इन आइसोलेशन बिफोर इंटीग्रेशन बिकॉज इट मेक्स डिबग इजियर। If the failure is detected when the integrated set of modules is being tested, it would be difficult to determine which module exactly has the error. Clear?
दो है, एक तो हो सकता है कि उसके साथ दूसरा मॉडल बनाना हो, और दूसरा है जो कि उसमें डिबग करना, एरर फाइंड आउट करना इजी है एज कंपेयर टू कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट टेस्टिंग है यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग में अभी जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, while मॉड्यूल, while टेस्टिंग अ मॉड्यूल, अदर मॉड्यूल विद दिस मॉड्यूल नीड टू इंटरफेस मे नॉट बी रेडी। हाँ, इसका कोई बता सकता है? अगर वो रेडी नहीं है तो टेस्ट कैसे कर पाएंगे? मान लो कि आपने, हम तो ये पढ़े हैं ना कपलिंग। कपलिंग क्या होता है? इंटरकनेक्शन बिटवीन टू मॉड्यूल्स। दो मॉड्यूल के बीच में कैसे कनेक्शन है कपलिंग बताता है। कपलिंग हमारा लो होना चाहिए, लेकिन कपलिंग तो होता है, ऐसा नहीं कि ना कपलिंग हम जीरो कर दें। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कुछ ना कुछ से इंटरकनेक्ट होगा ही। यस सर। क्योंकि आप जब एक, अगर नहीं इंटरनेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सारा कुछ कोडिंग एक ही मॉड्यूल में कर दोगे, तब तो बहुत डिफिकल्ट होगा मॉडिफिकेशन के लिए। इसलिए तो प्रॉब्लम को हम डिवाइड नहीं किए, मतलब एनालिसिस करते हैं तो प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड करना तो जरूरी है, वो नहीं करेंगे, और जब डिवाइड किए हैं तो कंबाइन भी करेंगे। कंबाइन जब करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा उनके बीच में इंटरफेस होगा जिसके थ्रू कंबाइन होंगे। तो जब यूनिट टेस्टिंग हम करते हैं तो उस यूनिट टेस्टिंग को हम आइसोलेशन में टेस्टिंग करते हैं, इंडिपेंडेंट। बाकी मॉड्यूल हमारे पास नहीं रहता है, अगर बाकी मॉड्यूल रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर देंगे। तो जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटरफेस रहता है, तो जो पॉइंट पे जाके इंटरफेस हो रहा होगा वो डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, है क्या? मॉड्यूल ही नहीं अवेलेबल है तो डेटा कहाँ से अवेलेबल रहेगा? यस सर। तो फिर कैसे करेंगे यूनिट टेस्टिंग? तो उसका सॉल्यूशन है, ये समझ में आ रहा है पहले क्या हम बोल रहे हैं? यस सर। तो उसके लिए हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जो यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि उसके साथ जो उसके उससे जो इंटरलिंक मॉड्यूल है वो अवेलेबल है, ऐसा उसको फील करवाना होगा, उसका एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास टेक्निक है स्टब एंड ड्राइवर्स, ड्राइवर्स एंड स्टब। समझ में आया क्या पहले बोले? यस सर। एक मॉड्यूल को हम इंडिपेंडेंट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरफेस होना चाहिए। उस इंटरफेस होना चाहिए तो डेटा कहीं ना कहीं वो उसको वो डेटा प्रोवाइड करना है कि जो डेटा वो दूसरे मॉड्यूल से लेने वाला है, उसी को वो डेटा कैसे प्रोवाइड होगा, तो वो कॉन्सेप्ट आया क्या, ड्राइवर्स और स्टब। क्लियर? यस सर। तो ड्राइवर्स इसमें वही इसको आपको पढ़ लेना है ऐसे। इन ऑर्डर टू टेस्ट अ सिंगल मॉड्यूल वी नीड अ कंप्लीट एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट कोड दैट इज नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉड्यूल। क्लियर है? यस सर। दैट इज बिसाइड द मॉड्यूल अंडर टेस्ट द फॉलोइंग नीडेड टू बी टेस्ट द मॉड्यूल द प्रोसीजर बिलोंगिंग टू अदर मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल अंडर टेस्ट से लोकल नॉन लोकल डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लोकल डेटा चाहिए आपको। नॉन लोकल मीन्स क्या होता है? आप किसी फंक्शन के अंदर उस डेटा को डिफाइन करते हैं, उसको लोकल डेटा कहते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में आपने कुछ ग्लोबल डेटा डिक्लेयर किया है और उसमें चार पांच अलग अलग फंक्शंस है, तो चार पांच अलग अलग फंक्शंस है और हम कह रहे हैं कि उसके फंक्शन को, एक फंक्शन को आपको टेस्ट करना है। एक फंक्शन जब टेस्ट करोगे तो वो फंक्शन में अगर कोई ग्लोबल डेटा है, उस ग्लोबल डेटा को भी उस फंक्शन को देना पड़ेगा। यस सर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट है यूनिट टेस्टिंग में। कि मान लो कि आपके पास एक कोई प्रोग्राम है, उसमें पांच फंक्शन है, उस पांच फंक्शन में एक फंक्शन को टेस्ट करना हो गया यूनिट टेस्टिंग, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन करके टेस्ट करना हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करना हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग। तो स्टब और ड्राइवर वो डेटा प्रोवाइड करता है। स्टब्स एंड ड्राइवर्स are designed to provide the complete environment of the module so that testing can be carried out. Yes. Yeah?
स्टब क्या होता है, स्टब द रोल ऑफ स्टब ड्राइवर मॉड्यूल्स इज, वो फिगर में है, देखते क्या है। स्टब इज प्रोसीजर इज अ डमी प्रोसीजर हैज द सेम आईओ पैरामीटर एज अ फंक्शन कॉल्ड बाय द यूनिट अंडर टेस्ट। जो भी आईओ, जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लेना है, मान लो कि उसने कोई डेटा लेना है और इनपुट वो कॉल करेगा, उसका आउटपुट मान लो कि 2 और 3 एंटर किए, ठीक है, और वो दूसरे मॉड्यूल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो दूसरे मॉड्यूल ट्रांसफर होने के बाद मान लो कि वो एडिशन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, कंसिडर कर रहे हैं बस सिंपल सा, तो उसको क्या आउटपुट आना चाहिए, 5, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं तो 2 और 3 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस 5 को उस मॉड्यूल को दे दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आईओ ऑपरेशन है उस 5 को असाइन कर देंगे, तो उस मॉड्यूल को क्या लगेगा, उसको वहां से उसने कॉल किया, उसको उस वो वैल्यू उसको रिटर्न आ गया। टेस्ट कर रहे हैं हम एक ही मॉड्यूल, लेकिन उस मॉड्यूल को जो जो डेटा रिक्वायर्ड है ग्लोबल और जो भी आईओ ऑपरेशन से रिक्वायर्ड है, वो उसको हम असाइन कर देंगे एज अ इन द टर्म ऑफ स्टब। और ड्राइवर्स क्या करते हैं, ड्राइवर्स ये क्या करता है, ये आईओ पैरामीटर डिफाइन करता है टू द फंक्शन कॉल्ड, और ये क्या करता है, ग्लोबल डेटा डिफाइन करता है ड्राइवर्स। ये डायग्राम है, ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, मॉड्यूलर में टेस्ट, ठीक है। इस मॉड्यूल को हम ड्राइवर्स प्रोवाइड करेंगे, ड्राइवर्स क्या करेगा, ग्लोबल डेटा देगा और स्टब प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्या करेगा, आईओ ऑपरेशन कोई फंक्शन कॉल कर रहा है उसका वैल्यू देगा, और उससे इसको मतलब ये डमी, ये क्या है, ये सब डेटा हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, क्लियर है, जो कि अदर मॉड्यूल से एक्सपेक्टेड है, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम दे दे रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ ड्राइवर एंड स्टब। अब इस मॉड्यूल को क्या लाएगा, इसने उस मॉड्यूल को कॉल किया, उसको ये वैल्यू प्रोवाइड हो गया, और उससे इसको हम, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि आफ्टर गिविंग दिस वैल्यू ड्राइवर एंड स्टब, क्या वो एक्यूरेट काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो एक्यूरेट काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर उसको डिबग करेंगे, डिबग करके बाद उसको एरर करेक्शन करेंगे। पढ़ना इसको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो दो मेथड थे टेस्ट केस डिजाइन करने के, दो मेथड है, एक है ब्लैक बॉक्स और दूसरा है व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दो मेथड है, एक है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, एंड सेकंड वन इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। पेपर आप देखोगे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है इन दोनों में, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग पे और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पे, इसमें एग्जांपल भी देखेंगे कैसे करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग फर्स्ट, इन द इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग अप्रोच द डोमेन ऑफ द इनपुट वैल्यूज टू द प्रोग्राम अंडर टेस्ट इज पार्टीशनड इनटू सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। देखेंगे क्या होता है इसमें, बस ये अभी ध्यान रखो। द मेन आइडिया बिहाइंड द डिफाइनिंग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इनपुट डेटा इज दैट टेस्टिंग द कोड विद any one of the value belonging to equivalence class is good as testing the code with any other value belonging to the same equivalence class। मतलब क्या है इसका, कि आपको क्या करना है, जो इनपुट डेटा आपको देना है उस प्रोग्राम के लिए, उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, आप उसको इक्विवेलेंस क्लास में डिफाइन करोगे। उस इक्विवेलेंस क्लास में से अगर कोई एक वैल्यू आप एक किसी एक वैल्यू से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो, तो उसी क्लास से अगर हम कोई भी वैल्यू लें तो उसका आउटपुट सेम आएगा। समझ में आया, आउटपुट इन द सेंस मेरा कहने का मतलब बिहेवियर उसका चेंज नहीं होगा। एक इक्विवेलेंस क्लास से अगर कोई भी एक वैल्यू से अगर हम टेस्ट करते हैं, बाकी के वैल्यू से भी, अगर उसी इक्विवेलेंस क्लास के बाकी के वैल्यू से भी टेस्ट करेंगे, तो आपका बिहेवियर सेम आएगा। आउटपुट और बिहेवियर दो अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। अगर 2 और 3 इनपुट करेंगे तो आउटपुट 5 आएगा, अगर 5 और 3 इनपुट करेंगे तो आउटपुट आपका 5 नहीं आएगा, लेकिन बिहेवियर सेम ये है कि इंटीजर आउटपुट देगा, इसमें भी इंटीजर आउटपुट देगा। यस सर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कंसीडर करो, इफ द इनपुट डेटा वैल्यूज ऑफ अ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय द रेंज ऑफ वैल्यूज, देन वन वैल्यू वन वैलिड एंड टू इनवैलिड। ये लिखो इसको थोड़ा सा,
यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, अगर रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन है, रेंज ऑफ वैल्यू मतलब कोई ऐसा डिफाइन है कि 1 से 10 तक के डेटा को हमको लेना है, उस केस में आपका 3 इक्विवेलेंस क्लास बनेगा। 3 इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगा? हेलो, यस, 3 इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, उसमें 1 वैलिड क्लास होगा और 2 इनवैलिड क्लास होगा। मींस यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिया है सेट ऑफ इंटीजर इन द रेंज 1 to 10, दैट इज एक 1 to 10 दिया है, ये क्लोज है, क्लोज है, ये ओपन बेस नहीं है, क्लोज बेस है, मींस 1 से 10। तो इसका वैलिड वैलिड क्लास क्या होगा? वैलिड क्लास 1 to 10 होगा। इनवैलिड क्लास क्या होगा? बिफोर 1 और आफ्टर 10। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस इनफिनिटी टू 0 और 11 टू इनफिनिटी। समझ में आया? Yes, sir. ये मतलब मेथड है, इसमें इसका हम यूज करेंगे आगे प्रोग्राम में, नहीं ये इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है, ये ध्यान रखना। अगर रेंज दिया हुआ है तो उसका 3 क्लास डिफाइन होगा, 1 वैलिड, 2 इनवैलिड, अगर रेंज दिया है तो। ठीक है, yes, sir. नेक्स्ट है, अगर इफ द इनपुट डेटा अज्यूम वैल्यूज फ्रॉम द सेट ऑफ डिस्क्रीट नंबर्स, डिस्क्रीट मेंबर्स ऑफ सम डोमेन, अगर डिस्क्रीट वैल्यू दिया 1, 2, 3 या 1, 5, 8, कुछ भी 3 नंबर या 5 नंबर दे दिया है, 1, 2, अगर ऐसा दिया है तो देन वन इक्विवेलेंस क्लास फॉर वैलिड इनपुट एंड अनदर इक्विवेलेंस क्लास फॉर इनवैलिड इनपुट, तो 2 क्लास बनेगा, 1 वैलिड 1 इनवैलिड। लास्ट केस में 3 बनेगा, इस केस में 2 बनेगा। एक क्या करेगा, कंटेन करेगा वो नंबर रैंडम वैल्यू, एक उसमें कोई वैल्यू रैंडम नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है, कंसीडर करो वैलिड वैल्यूज है ए बी सी, तो अनदर इनवैलिड होंगे माइनस ए बी सी, मीन्स कोई यूनिवर्सल सेट रहेगा ए टू जेड माइनस ए बी सी, मतलब ए बी सी को छोड़ के बाकी सब। यहाँ पे क्या गिवन है, इस केस में क्या दिया है, रेंज दिया है 0 to 5000, तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, एक बनेगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 होगा, एक बनेगा 0 to 5000 जो कि वैलिड रहेगा, और एक बनेगा 5001 to इनफिनिटी। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सॉफ्टवेयर है दैट कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर नंबर एट इनपुट इंटीजर, दैट कैन अज्यूम द इंटीजर इनपुट इंटीजर जो भी उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है तो 3 इक्विवेलेंस क्लास, यहाँ पे वही आंसर देख लो। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0 के पहले 0 छोटा जो कि नंबर होता है क्या होता है, नेगेटिव। सेट ऑफ इंटीजर इन द रेंज सेकंड वैलिड है एंड सेट ऑफ इंटीजर लार्जर देन 5000। ठीक है, उसमें से एक एक वैल्यू को ले लिया गया है, उसे टेस्ट रूट बन गया। यस, माइनस 5 इज लेस देन 5 लेस देन 0, 500 इज इन बिटवीन द 0 टू 5000, 6000 इज ग्रेटर देन 5000। तो अब याद करो इक्विवेलेंस सेट का जो डेफिनेशन था क्या था, उसमें था कि अगर कोई भी इक्विवेलेंस सेट के एलिमेंट से उसको टेस्ट किया जाए, यही था ना, तो उसका वही बिहेवियर होगा जो कि उस इक्विवेलेंस सेट के कोई भी नंबर से उसको टेस्ट किया जाए, कोई भी टेस्ट किया आएगा। इसलिए आप यहाँ पे अगर माइनस 5 के जगह माइनस 2 भी लिखोगे तब भी सही है, माइनस 5000 के जगह आपको मन हुआ तो 2 लिखने का तो 2 भी लिख सकते हो,
और 6000 के जगह पे आप 501 ले सकते हो. इट इज नॉट फिक्स्ड, ये वैल्यू फिक्स नहीं होगा, लेकिन एक लेस देन 0 होना चाहिए, एक इन बिटवीन द 0 टू 500 होना चाहिए और ग्रेटर देन 500 होना चाहिए. इसे ये मैटर नहीं करता है कोई वैल्यू आप ले सकते हो. ओके ये इस क्वेश्चन ठीक है. तो इसमें क्या कर रहा है कि M1 कॉमा C1 मतलब स्लोप ऑफ वन स्लोप के कांस्टेंट है, M2 क्या है मतलब स्लोप दिया क्योंकि MX दिया है, Y इक्वल टू MX प्लस C दिया है, पॉइंट नहीं दिया है. तो द प्रोग्राम कंप्यूट द इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंड डिस्प्ले द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसमें भी तीन केस बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन है तो दो स्ट्रेट लाइन है, कंप्यूट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन एंड डिस्प्ले द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसमें क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है तो या तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट हो, सेम ही लाइन हो सकता है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री देखना होगा. तो उसके लिए क्या है कि पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप बराबर होता है, इंटरसेक्शन करता है तो स्लोप उसका बराबर नहीं होता है, और कोइंसिडेंट करता है मतलब सेम लाइन है तो दोनों बराबर होता है. यस यस सर. ठीक है, तो उसके बेस पे आपको एग्जांपल देना होगा. आप पेपर में देखना थोड़ा, यूनिवर्सिटी का पेपर, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विवेलेंस क्लास पार्टिशनिंग पे, उसको देखना सॉल्व करना. नहीं सर, कौन सा पेपर? यूनिवर्सिटी का. यस यूनिवर्सिटी पेपर देखना. यस ग्रुप पे सेंड आला बेटा. तो साइज लेस देन 5 कैरेक्टर, तो आपको साइज लेस देन 5 कैरेक्टर लेना है. और 5 कैरेक्टर जो लेना है लेस देन में, उसमें आपको चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं. नॉर्मली आप जो प्रोग्राम लिखते हो तो आप बोलते हो कि सर मेरा परफॉर्म हो गया, तो कोई भी जाता है तो कैसे चेक करता है? पहले वो जो गिवन प्रोग्राम दिया उसके लिए चेक करता है. मान लो इवन ऑड का प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो इवन ऑड का प्रोग्राम लिखते हो तो पहले हम उसमें 5 एंटर करेंगे. मान लो पहले 6 एंटर किए, तो 6 एंटर किए तो क्या आउटपुट आएगा? दिस नंबर इज इवन. फिर हम चेक करेंगे कि वो ऑड के लिए काम कर रहा है कि नहीं, तो हम 5 एंटर करेंगे तो क्या बताएगा? दिस नंबर इज ऑड. मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम चेक करना चाहते हैं कि नहीं, अगर 5 और 6 के लिए अगर हम -2 एंटर करें तो क्या आएगा? समझ रहे? -2 एंटर करेंगे तो क्या आएगा? तो ये इनवैलिड इनपुट है. अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर का दे दिए हैं तो क्या हो गया? इनवैलिड इनपुट आ गया. लडली यहाँ पे यही आ गया. पैलिंड्रोम अगर हम चेक कर रहे हैं तो चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम हो, ऐसा इनपुट देंगे. फिर ऐसा इनपुट देंगे कि पैलिंड्रोम ना हो. फिर ऐसा इनपुट देंगे कि मोर देन 5 कैरेक्टर हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिया है क्या 5 कैरेक्टर कहीं चेक करना है. तो अगर हम 6 कैरेक्टर दे रहे हैं तब क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इनपुट वैलिड इनपुट हम देंगे. वैलिड इनपुट या तो पैलिंड्रोम होगा या तो नॉट पैलिंड्रोम होगा, लेकिन वैलिड इनपुट क्लियर है. बाउंड्री वैल्यू सॉरी इक्विवेलेंस क्लास पार्टिशनिंग. यस सर. ये दो याद रखना. नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. अब इक्विवेलेंस क्लास पार्टिशनिंग में क्या किए थे हमने? उस क्लास को डिफाइन किया था, उस पर चेक किया था. नॉर्मली जो एरर होता है वो बाउंड्री वैल्यू पे आता है. बाउंड्री वैल्यू इन द सेंस कि
इस बाउंड्री वैल्यू मतलब आपको बाउंड्री पे चेक करना है, जो भी आप मान लो 0 to 1 to 10 रेंज दिया था ना यहाँ पे, हाँ